हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कॉपीड होती हैं किसकी फॉर्म में? न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन का, उसमें क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसको किसकी फॉर्म में मिलती है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। और न्यूक्लियोटाइड्स किसके पॉलीमर्स होते हैं? अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। तो जो वो अमाइनो एसिड्स के जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर, तो जो अमाइनो एसिड्स हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके जेनेटिक कोड कहलाते हैं, ठीक है। आपका ये देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जेनेटिक मटेरियल, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के चेंज होते हैं प्रोटीन्स में, ठीक। प्रोटीन्स किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की। तो हमारे जो कोड हैं वो सभी 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड हैं वो, ठीक है। अब आपका कोडोन जो है वो किसकी फॉर्म में? ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो हरगोविंद खुराना जो हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंटली सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने बताया था, डिफाइंड किए थे होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स, ठीक है। अब आपके मार्शल नेटवर्क जो थे उन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया था बिना उसके सेल के, और प्रोटीन सिंथेसाइज की थी, ठीक है, अमाइनो एसिड्स की हेल्प से, ठीक। तो उन्होंने फिर बताया कि हर एक कोड के लिए आपकी कोडोन जो हैं वो अलग अलग आपकी प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यू यू है वो आपकी, सी यू यू है वो ल्यूसिन को करती है, ठीक है। और थ्री कोडोन आपके स्टॉप कोडोन होते हैं, जब अगर वो आ गए, जैसे यू ए ए आ गया, ठीक है, तो वो होता है ओकरे। ओकरे जो है आपका, ओकरे, ओपल और अंबर, ये स्टॉप कोडोन है, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, ठीक है। अगर ये आ गए, अब देखो यू क्या है, यूरासिल ए एडिनिन और ए एडिनिन और जी ग्वानिन, ठीक है, आपको पता ही है। अगर आरएनए से जब प्रोटीन बन रही है और उसमें सीक्वेंस आ गया आपका यू ए ए, तो आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। कोडोन हमेशा ट्रिपलेट होते हैं, कोडोन कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स को, थ्री कोडोन्स जो हैं एनी अमाइनो एसिड्स को कोडोन करता है, ठीक है। और जो फंक्शन स्टॉप करते हैं वो आपके स्टॉप कोडोन लोन कहलाते हैं, ठीक है। वन कोडोन कोड्स ओनली वन अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा जाता है कि कोडोन जो है वो स्पेसिफिक है। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन से है आपका रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक कोडोन जो है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो अमाइनो एसिड्स जो कोडोन हैं वो स्पेसिफिक हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कोड होती हैं मोर देन वन कोडोन, तो इसलिए उसको कहते हैं डीजनरेट। कोडोन जो हैं वो रीड होते हैं हमारे एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। और कोड जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है, वो ऑल ओवर एक ही रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जो यू ए ए है, यू 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 है, वो फिनाइल एलेनिन के लिए, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पी एच ई, फिनाइल एलेनिन को ही कोड करती है। सी यू यू है तो वो ल्यूसिन को ही आपका कोड करती है, ठीक है। अब जैसे यू यू ए है वो भी ल्यूसिन को करती है, और सी यू यू है वो भी ल्यूसिन को करती है, तो इससे समझिए, देखिए यू यू ए है वो सिर्फ ल्यूसिन को ही करती है, किसी और को नहीं करती है, तो कोडोन तो स्पेसिफिक हो गए, लेकिन ल्यूसिन जो है वो डीजनरेट है, क्योंकि वो यू यू ए से भी रिप्रेजेंट हो रही है, और सी यू यू से भी, और सी यू सी से भी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो वो एक अमाइनो एसिड्स मोर देन वन उससे आपका कोडोन के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती है, क्लियर। ए यू जी है वो ड्यूअल फंक्शन करता है, इट्स कोड फॉर मेथियोनिन एंड इट्स आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, ये एक इनिशिएटर जहाँ से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है ए यू जी से, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएटर होता है, जैसे एमआरएनए में जहाँ से ए यू
जी आएगा तो यहाँ से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं पर यू ए ए आ गया तो वहाँ पर आपका स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये थ्री जो हैं आपके वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। अब देखिए, कुछ भी म्यूटेशन अगर बीच में कोई एक न्यू आपका एक यहाँ पर जैसे एक चेन दी जा रही है ना, नीचे देखो, तो अगर यहाँ पर कोई एक न्यू एलिमेंट आके एक न्यू लेटर आ जाए तो उससे पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि राम हैज़ रेड कैप है, लेकिन अगर आर से पहले अगर हम बी, देखिए बी लगा दें, अब जो कोडोन है वो तो थ्री थ्री के उसमें ही आपका रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन्स को, तो बी आर ई तो कोई वो नहीं होती है ना, तो वो बिल्कुल अलग सेंस चला जाएगा। और अगर उसमें अलग और आ गया तो एक बी आया, फिर आई आया, फिर जी आया, तो राम हैज़ बिग रेड गैप, तो कितनी अलग बात हो गई ना, कि एक तो हो रहा था राम हैज़ रेड गैप और अब कह रहा है कि राम हैज़ बिग रेड गैप। ठीक है, तो यही आपकी म्यूटेशन होती है कि कोई न्यू जीन जो है इंसर्ट हो जाता है अगर हमारी जीन्स में, तो वो क्या कर देता है, वो म्यूटेशन, वो एबनॉर्मलिटीज़ ला देता है ना। ठीक है, तो जिसके थ्रू जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गई है, म्यूटेशन के थ्रू होती है। तो ये सब क्या है कि अब हम सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी जो है वो राउंड शेप में होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप हो जाती है, उनकी श्रिंक हो जाती हैं भी। ठीक है, तो मींस उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। क्लियर, तो ये आपका म्यूटेशन हो गया। फिर आप देखिए टी आर एन ए क्या करता है, ट्रांसफ़र आर एन ए है, ये जो मैसेंजर आर एन ए से इंफॉर्मेशन आई वो अब ये आगे ट्रांसफ़र करेगा और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, है ना। ट्रांसलेशन, अब प्रोसेस आ जाएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि उसने वो आगे जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफ़र कर दी, तो अब प्रोसेस आएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है कि फॉर्मेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द मैसेंजर mRNA। ठीक है, अब क्लियर, तो आपका ये ट्रांसलेशन, ये आप थ्योरी पढ़िएगा, इसमें आपकी टू टाइप्स की डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, ATS और 70S। इसमें जो भी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर वीडियो भी बहुत वर्ड टू वर्ड में, तो आपका देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपका भी डाटा जाता है और मेरा भी, है ना। तो आप इसको एक बार थ्योरी को पढ़िएगा, इसमें जो भी कोई क्वेरी आएगी तो वो आप मुझसे क्वेरी टाइम में पूछिएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक लैकोपेरॉन। ओपेरॉन क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है बैक्टीरिया में या किसी में भी यूकेरियोट्स में, ठीक है, जो अरेंजमेंट है तो वो आपके बताया गया है ओपेरॉन सिस्टम्स के थ्रू। लैकोपेरॉन लैक किसको करता है, लैक्टोज को शो करता है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट थे फ्रांसिस जैकॉब, बायोकेमिस्ट और जैक्यू मोनोट, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, लैकोपेरॉन, अब देखिए जो आपका रिप्रेसर है, ये आपका अब्सेंस ऑफ इंड्यूज़र और प्रेजेंस ऑफ इंड्यूज़र, दो ओपेरॉन बताए गए हैं। इसमें आपका रिप्रेसर ओ, रिप्रेसर बाइंड्स करता है ऑपरेटर रीजन को, प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज से फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट द ओपेरॉन। और दूसरा आपका देखिए, अगर इंड्यूज़र आपका प्रेजेंट है, ठीक, तो रिप्रेसर mRNA, फिर लैक mRNA, उससे आपकी डिफरेंट्स आपके प्रोटीन्स बनेंगी, गैलेक्टोसिटेज, परमीएज, ट्रांसलेज, और आपका जो रिप्रेसर है वो एज इट इज़ इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि वो तो एक एंजाइम्स की तरह वर्क कर रहा है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा वो आप पूछेंगे। फिर आपका आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें आपका क्या कहा गया कि जितने पूरा ह्यूमन सिस्टम के जो DNA सीक्वेंस हैं उनका डाटा फीड किया गया। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं, 3×10⁻⁹ बेस पेयर हैं, और एक बेस पेयर को सीक्वेंस को जो उसकी मतलब अप्रोक्सीमेटली जो सिक्वेंसिंग करने में कॉस्ट आती है वो $3 आती है। तो हर एक को जब हम करेंगे
तो 9 बिलियन यूएस डॉलर इसमें खर्च हुए थे, ठीक है, खर्च होते हैं एक ह्यूमन जीनोम को आपका स्टोर्ड करने में, ठीक है। अब अगर इसको हम टाइपिंग करते तो ये बुक्स के जो है 1000 लेटर्स एक पेज पर होते, तो एक उस बुक में 1000 पेज आपके फिल होते। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये डाटा जो मिल पाया, ये वह बायोलॉजी की न्यू एरिया के डेवलपमेंट से बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो उसके गोल क्या क्या थे, ये आपकी वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी, मैं आपका ये गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।